हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अनदर इंट्राडे स्टॉक वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक जिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ट्रेडर्स आज जो स्टॉक ट्रेड करने देते हैं उसका भी परफॉर्मेंस जानेंगे। तो वीडियो पे आप पूरा बने रहे, और अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़े। आपको वहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल दिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ट्रेडर्स पहले हम बात कर लेते हैं आज जो स्टॉक ट्रेड करने दिए थे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आज के लिए हमारा फर्स्ट स्टॉक था डीएलएफ की तरफ से, इसको यहाँ पे हम बाइंग पोजीशन बनाने दिए थे जिसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसमें हमारा ये लेवल था और ये दोनों टारगेट था, जबकि स्टॉक ने हाई बनाया 481 के पास। तो इसमें हमारा सारा टारगेट अचीव हुआ और ये स्टॉक हमारा अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहा। इसमें जिसने भी ट्रेड किए होंगे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए होंगे, और आप प्रॉफिट बुक किए होंगे तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए हमारा सेकेंड स्टॉक था इंडसइंड बैंक की तरफ से, जिसमें हमारा दोनों लेवल था। जैसा कि बताए थे अगर ये ब्रेकआउट करता तो आप बाइंग पोजीशन के लिए जाएंगे, अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता तो यहाँ से ये नीचे साइड जाएगा तो आप शॉर्ट सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो इसमें हमारा शॉर्ट सेल पोजीशन ट्रिगर हुआ जिसमें हमारा ये लेवल था और ये दोनों टारगेट था, जबकि स्टॉक ने लो बनाया 1232 के पास। तो इसमें भी हमारा सारा टारगेट अचीव हुआ और ये भी स्टॉक हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ। तो अगर आप इसमें भी प्रॉफिट बुक किए होंगे तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए हमारा थर्ड स्टॉक था बजाज फिंजर के तरफ से, इसमें हमें शॉर्ट सेल पोजीशन टिगर देखने को मिली जिसमें ये लेबल था, जिसमें ये दोनों टारगेट था, जबकि ये स्टॉक ने लो बनाया लगभग ये 1404 के पास। तो इसमें भी हमारा सारा टारगेट अचीव हुआ और ये भी स्टॉक हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ। अगर आप इसमें भी प्रॉफिट बुक किए होंगे तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ट्रेडर्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं हमारा प्रीमियम ग्रुप के बारे में। हमारा प्रीमियम ग्रुप में आज हमें निफ्टी का कॉल दिए थे जिसमें सक्सेसफुली टारगेट अचीव देखने को मिली, जिसमें ये लगभग ये इसमें 2000 का प्रॉफिट देखने को मिला, जिसमें एक मेंबर ने प्रॉफिट किया। अगर आप अभी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 499 लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। अगर अभी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहले आपको हमारे नीचे टेलीग्राम का चैनल दिया वहां पे ज्वाइन हो जाए, वहां पे आपको कॉन्टैक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो ट्रेडर्स अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक जिस पे आप कल इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कल के लिए हमारा फर्स्ट इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा सिप्ला की तरफ से, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखे तो इसमें एक अच्छा खासा पैटर्न बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये मल्टीपल टाइम या रेजिस्टेंस की तरह ये फॉलो कर चुका है, अगर कल के सेशन में ये रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेकआउट कर देता है तब इसमें आप बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 926 से ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे 930 का, उसमें सेकंड टारगेट रखेंगे 934 का, और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 922 का। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तब इसमें बाइंग पोजीशन के लिए जाएंगे, अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता है तो इसमें देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट की तरह ये फॉलो कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता है, ये सपोर्ट से नीचे ब्रेक डाउन कर देता है, तब इसमें शॉर्ट सेल पोजीशन भी बना सकते हैं, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 920 से नीचे। हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे 916 का, सेकंड टारगेट रखेंगे 912 का, और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 924 का। अगर ये नीचे ब्रेकडाउन करता है तब इसमें आप शॉर्ट सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो कल के लिए हमारा ये फर्स्ट इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर टैग करें। तो कल के लिए हमारा सेकेंड इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा ऑरोबिंदो फार्मा की तरफ से, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखे जिसमें एक अच्छा खासा पैटर्न बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो ट्रेडर ये कौन सा पैटर्न है आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अगर ये कल के सेशन में ये जो रेजिस्टेंस है अगर इससे ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तब इसमें आप बाइंग पोजीशन के लिए जा सकते हैं, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 607 से ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे 610 का, सेकेंड टारगेट रखेंगे 613 का, उसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 604 का। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तब इसमें बाइंग पोजीशन के लिए जाएंगे, अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता है मार्केट नेगेटिव साइड जाता है और इसमें तब इसमें हम शॉर्ट सेल पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 600 से नीचे। हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे 597 का, सेकेंड टारगेट रखेंगे 595 का, और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 604 का। अगर यहाँ से नीचे ये ब्रेक डाउन करता है इस लेवल पे तब इसमें शॉर्ट सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो कल के लिए हमारा ये सेकेंड इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर टैग करें।
तो आज के लिए हमारा थर्ड स्टॉक हो जाएगा बजाज फिंजर की तरफ से। इसमें ट्रेडर हम फिर से ट्रेड कर सकते हैं। इसमें एक देखें तो ये ट्रेंड लाइन, ये जो मल्टीपल टाइम यहाँ रेजिस्टेंस की तरह ये फॉलो कर चुका, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मल्टीपल टाइम यहाँ रेजिस्टेंस की तरह ये फॉलो कर चुका। अगर कल के सेशन में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तब इसमें हम बाइंग पोजिशन के लिए जाएंगे, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 1415 से ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे 1419 का, सेकेंड टारगेट रखेंगे 1422 का, उसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 1412 का। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तब इसमें बाइंग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। तब कल ये हमारा थर्ड इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर टैग करें। और ट्रेडर्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।